अमझोर थाना क्षेत्र के भदसा से दो भैंस चोरी। अमझोर थाना क्षेत्र के भदसा गांव से दो भैंसों को चोरों ने चोरी कर लिया। दोनों भैंस भदसा निवासी दीपक कुमार की है। इसकी सूचना थाना में भैंस मालिक द्वारा दे दी गई है। इससे पहले भी तिलाथू और अमझोर थाना क्षेत्र से कई बकरियों को चोरों ने चुरा लिया था। अभी तक इस मामले में भी दोनों ही थाना क्षेत्रों की पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं अब भैंसों की चोरी के बाद पशुपालकों में भय व्याप्त है। आपके साथ क्या घटना घटी है? मेरे साथ रात्रि को हम 10 से 8 बजे तीन भैंस को बांधे और इसके साथ बच्चा भी थी, और जो हम बांध करके उसको चारा खिलाकर बांध के और अपने घर पे जब हम सो रहे थे, तो रात्रि को उसी क्रम में जब बारिश होने लगा और बारिश होने के बीच उपरांत रात्रि को मेरे जब सुबह उठे हम देखे तो मेरा दो भैंस उसमें नहीं थी, जिसमें एक भैंस लगहर जो दुधारू थी और एक पाड़ी थी जो अभी वो अपना गर्भवती बच्चा देने वाली थी, और देखे कि मेरा दोनों भैंस को किसी अज्ञात चोरों ने चुरा कर उसको ले गया। मैंने अपना से बहुत खोजबीन सगड़ों सारे आधार पधार गाँव घर पता किए तो नहीं मिल पाई, जिसके हमारा चोर ने क्या बोलता है कि घात लगा कर और मेरे दो भैंस को किसी पर शक भी है? अब तो शक मैं किसी को नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए इसकी शिकायत स्थानीय थाना में दी है? हाँ, थाना में दे दिए हैं। तो आपने बोले कि तीन भैंस बना हुआ था, एक भैंस का हाथ? एक वो तीनों भैंस को खोल दिया था, जिसमें दो भैंस को चोरों ने चोरी करने में कामयाब हुआ और एक भैंस भागने में सफल हो गई। और उसका बच्चा भी था? हाँ, उसमें बच्चा भी है, देखिए वो साथ में बच्चा भी है, उसका बच्चा बिना दूध का भी है। ये दूध पीने वाला बच्चा? हाँ, है दूध पीने वाला है, अभी 1-1.5 महीना उसको। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। कहाँ घर हुआ? भदसा चितौली पंचायत।